बोकारो जिला में जमीन से जुड़े मामले दिनों दिन बेहद गंभीर और जटिल होते जा रहे हैं। बोकारो में जमीन विवाद के इस गंभीर और जटिल होती समस्याओं के बीच अब इस समस्या से जुड़े लोगों के लिए इस समस्या से निजात का रास्ता प्रदेश के बड़े नेता ही नजर आ रहे हैं। जमीन से जुड़ी अपनी समस्या को लेकर चंदन क्यारी के निवासी साधन माथा ने आवेदन देकर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से गुहार लगाई है। साधन माथा जमीन से जुड़े जिस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी के पास पहुंचे थे, वह मामला चंदन क्यारी अंचल के भाड़ाजोरी मोजा का है। खाता संख्या 167 और प्लॉट संख्या 759, जिसमें उन्होंने 2010 में जमीन की खरीदारी की थी। उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन पर 5 फीट की बाउंड्री भी है। यहाँ पर 39 एकड़ ज़मीन में से 16 एकड़ पत्थर युक्त गैर आबाद ज़मीन है और यह वर्तमान सर्वे सेटलमेंट में भी दर्ज है। लेकिन 2020 में विक्रम कुमार सानन की ओर से यह दावा किया जाता है कि यह उनकी ज़मीन है। यहाँ कुल 23 रैयत हैं, जिन पर 11/2020 टाइटल सूट भी चल रहा है। साधन माथा ने कहा कि अभी जब सर्वे सेटलमेंट चल रहा था, तब भी विक्रम सानन कभी सामने नहीं आया। विक्रम सानन कहता है कि उन्होंने 2020 में ज़मीन खरीदी है, जबकि साधन माथा ने कहा कि उन्होंने 2010 में यह ज़मीन खरीदी है। साधन माथा ने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि आखिर गैर आबाद भूमि सरकारी प्रतिबंध से कैसे हट गई और वह भी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कैसे हटाई गई। साधन माथा ने कहा कि यह पूरा मामला एसी के यहाँ लंबित है, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो भी सही हकदार है, जो सही मालिक है, ज़मीन उसी को मिलना चाहिए और न्याय होना चाहिए। लगातार परेशानी से आज ही जाकर उन्होंने यह मामला लेकर हुए बाबूलाल मरांडी के पास पहुँचे हैं। मामले पर दूसरे पक्षकार की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। मेरा नाम साधन माथा हुआ। मेरा घर सीता नाला चंदन क्यारी अंचल के अंदर पड़ता है। हमने एक जमीन 2010 में खरीदा था, भाराजोड़ी मोजा नंबर 182 में, जिसका खाता नंबर 167 है, प्लॉट नंबर 759 है। हमने जिस समय जमीन खरीदा था, उस समय तत्कालीन सीओ के यहाँ सरकारी अमीन के लिए पैसा जमा किया गया था रजत द्वारा। पैसा जमा करने के बाद सरकारी अमीन से नापी करवाया गया था, उसमें नक्शा कटवाया गया था, उसके बाद वो जमीन रजिस्ट्री करवाए हम। उसके बाद उसमें हम 5 फीट ऊंचा पक्का 4 दीवारी दिए। उसके बावजूद अनादि आचार्य एक व्यक्ति जो भाराजोड़ी का है, उनके नाम से विक्रम सानन जो जायका रिसोर्ट चलाते हैं, उन्होंने एक जाली पट्टा बनाकर पुरलिया से लाकर और वो जमीन वो अपने नाम करवा लिए हैं सरेंडर पेपर दिखा के। उस सरेंडर पेपर का सारा, उसमें सिर्फ हम नहीं है, उसमें 23 रैयत है, जो कि अभी 2300 रैयत के ऊपर वो टाइटल सूट केस भी किया है। टाइटल सूट केस नंबर 11/2020 है। तो ये सारे रैयत परेशान हैं वो गलत पेपर के वजह से। हम हर जगह गए, डीसी के पास गए, एसपी के पास गए, डीआईजी के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, हम कहीं भी नहीं छोड़े, लेकिन हम रैयतों को कहीं से भी रियायत नहीं मिला। तब हम थक हार के लास्ट में स्वच्छ छवि न्याय वाले लोगों को ढूंढते ढूंढते हम कल 2 तारीख को रांची जाकर बाबूलाल मरांडी को ये चीज सौंपे हैं और इसको विधानसभा में इसका क्वेश्चन उठाने के लिए, इसका ईडी से जांच कराने का और फॉरेंसिक जांच कराने का ये मामला है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, हम सभी रैयतों में, हम 23 रैयतों में। क्या माना जा रहा है आपके पेपर को, जाली माना जा रहा है उन लोगों की तरफ से? मेरा पेपर को जाली बताया जा रहा है। वो बोलते हैं कि आप जिस खतियानधारी से लिए हैं, वो लोग इस्तीफा दे दिया है 45-46 में, जबकि अगर 45-46 में हमारा जमीन रैयत गलत है
तो अभी नापी तस्दीक का नापी हुआ, सर्वे सेटलमेंट आया, 85 हुआ, 87 हुआ, तो आप एपीएल कहीं कहे नहीं हुए, या आपके नाम से खतियान क्यों नहीं बना? आज भी तो हमारे ही नाम से है, रैयत के नाम से ही सब है आज, और वही रैयत से हम खरीदे हैं। और जिस व्यक्ति के नाम से गलत पट्टा बनाया गया है, वो व्यक्ति दो नंबर विटनेस में है हमारे डीड में, जो ये बोलकर बच रहे हैं कि हमारा ये साइन नहीं है, अगर हमारा होता तो हमारा फोटो होता। तो याद रहे कि दो नंबर विटनेस का आज भी फोटो नहीं लगता है, पहले तो विटनेस का फोटो ही नहीं लगता था, अभी एक नंबर विटनेस का फोटो लगता है, दो नंबर विटनेस का फोटो नहीं लगता है, वो भी कुछ दिन से चालू हुआ है। कितना जमीन है वहां पट्टा में? 39 एकड़ 22 डिसमिल जमीन किया गया है, जिसमें 16 एकड़ जमीन सरकारी जमीन है, पथरीला जमीन, उसमें खाली पत्थर ही है। भाड़ा जोड़ी में मोजा भाड़ा जोड़ी 182, और बाकी टोटल रैयत का जमीन है, जिसमें घर बना हुआ है, बाउंड्री बना हुआ है, वो सब जमीन भी वो हड़प लिए हैं। और उनका कहना है कि आप कहीं भी जाइए आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, डीसी एसपी आईजी डीआईजी सब हमारा खरीदा हुआ है। अच्छा, ये विक्रम सानन का कहना है, और हम सही, उनका बात सही निकला, हम हर जगह गए, हमको कहीं से रिलीफ नहीं मिला। बाकी रैयत आपके साथ है, बाकी क्या नाम ले रहे हैं? बाकी टोटल रैयत हमारे साथ है, रैयत के पूरे परिवार हमारे साथ हैं। जिस समय हमारे एसडीओ टाइटल सूट के बावजूद भी 144 लागू किए और हमको वहां जाने से रोक लगा दिए, और उनको आदेश दिया जाकर कब्जा करने के लिए, उस समय वो गए थे, तो उसमें सैकड़ों रैयत उसका प्रतिवाद किए, सैकड़ों रैयत वहां मरने कटने के लिए तैयार थे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसको आपके मीडिया के माध्यम से सबको इस चीज, ये जो मामला हुआ है, सारे पदाधिकारी के कान में ये चीज डालना है कि इसका पेपर का जांच उच्च स्तरीय हो, और हम सही पेपर जिसका है जमीन उसका होना चाहिए। अगर हमारा पेपर सही है तो हमको जमीन हमारा मिलना चाहिए, गलत पेपर को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, जिससे रैयत काफी परेशान है। कैसे जानेंगे कि लोग आपके पेपर असली है? वो तो बता रहे जाली है, कैसे जांच करवाइएगा? एक ही डेट में सेम दो पट्टा नहीं रजिस्ट्री होता है कभी भी रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके द्वारा 115 नंबर पट्टा का जो जिक्र किया गया है, जिसमें 39 एकड़ जमीन बंदोबस्त किया गया है, हम सारे रैयत ने मिल के पुरुलिया से उसका सर्टिफाई कॉपी निकाला, तो वो दलगोविंद राय के नाम से वो पट्टा है, जो पुरुलिया छर्रा मोजा का है, और वही पट्टा का नंबर में दिखा रहे हैं कि विक्रम सानन अनादियाचार्य का पट्टा है। तो क्या एक डेट में एक नंबर का दो डीड बनता है? कभी कहीं नहीं बनता है। न्याय चाहिए आपको? मुझे न्याय चाहिए और फॉरेंसिक जांच चाहिए इसमें। और पुरुलिया में जो रेंट फिक्सेशन का वो कागज दिखा रहा है, हम इसके आपके चैनल के माध्यम से एसी साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी जिसका जांच चल रहा है एसी साहब के यहाँ अभी वर्तमान में, जिस पर कमिश्नर का आदेश है एसडीओ के अगेंस्ट में, उस पर सर्टिफाइड कॉपी पुरुलिया कोर्ट से मांगा जाए, न कि रजिस्टर का लिखा हुआ मांगा जाए। जो 7 ठो पेपर जो दिए हैं हम, उसका सर्टिफाइड कॉपी पुरुलिया कोर्ट से मांगा जाए। अभी मामला चल रहा है क्या? मामला चल रहा है किसको? एसी के यहाँ।